बिसम अल्लाम जी कैसे हैं आप सब लास्ट वीडियो में आपने ट्रेन का सफ़र देखा था जो कि बार्सिलोना से सिचिस तक था और अब इस वीडियो में हम देखेंगे खूबसूरत शहर जो कि आपको तस्वीरों से भी नज़र आ रहा है जैसे ही हम स्टेशन से उतरते हैं राइट साइड पे जो है ज़्यादातर रिहायशी इलाका है और लेफ्ट साइड पर ज़्यादातर होटल रेस्टोरेंट और छोटी मोटी रिहायशें भी हैं और आगे साथ ही समंदर भी है यहाँ बाज़ार भी बड़ा अच्छा है ख़ूबसूरत बना हुआ है साफ़ सुथरा बना हुआ है यहाँ पे एक पार्क है पार्क दिलगराफ के नाम से जहाँ से व्यू किया जाता है और यहाँ की आबादी तकरीबन तीस हज़ार के करीब है और ये बारसोना से सिचिस जो है तकरीबन पैंतीस किलोमीटर दूर है यहाँ पे अक्सर रस्तों पे मांगने वाले भी खड़े हुए हैं जो कि अपना फ़न दिखाते हैं और आपका दिल करे तो आप उन्हें दे दें अगर नहीं दिल करता तो कोई बात नहीं आप चुप करके जा भी सकते हैं ये जलिया जलिया हम जैसे ही गुज़रते हैं क्रॉस करते हैं तो सीधा बिल्कुल जो है समंदर का व्यू नज़र आता है बड़ा ही ख़ूबसूरत आसमान समंदर और साथ ही जो दरखत लगे हुए हैं पाम के ये बड़ा ही ख़ूबसूरती में इजाफ़ा करते हैं ये स्टैचू बने हुए हैं और साथ लिखा हुआ है कि हम यहाँ पे सुकून ढूँढने आए थे दोस्त ढूँढने आए थे जो कि हमें मिल गए और यहाँ पे आसमान बहुत ही नीला है ये साथ सारे रेस्टोरेंट हैं होटल हैं अपार्टमेंट भी आपको मिल जाते हैं और ये साथ ही लंबी गाड़ी जो है ट्रेन नुमा ये यहाँ पे चलती है कि अगर आप पैदल ये सारा नहीं दे सकते तो आप इसके ऊपर बैठ के पूरा राउंड आपको लगा देती है और आप सारा व्यू कर लेते हैं समुद्र के करीब ज़्यादातर जो घर होते हैं उनको ज़्यादातर ये वाइट पेंट करते हैं ये एक छोटा सा किला बना हुआ है और ये साथ बैठे में ये लोग अपनी कमाई कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं चीज़ें लगा के बैठे हैं ये चादरें हैं जो कि बीच पे लोग ले लेते हैं इनसे वहाँ पे बैठने के लिए और ये जो है माला और लॉकेट और क्या कुछ बना के इसने रखा हुआ है और ये जल पर ही इन्होंने बनाई हुई है बिल्कुल समंदर के किनारे पे और साथ लिखा हुआ है कि जो इसको हाथ लगाएगा उसकी किस्मत अच्छी होगी इनके ख्याल में तो यहाँ से हमने ख़ूबसूरत नज़ारा किया समंदर का और साथ ही हम अब ऊपर चल के देखते हैं तो जैसे ही हम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते हैं रास्ते में भी आपको डिफरेंट लोग बैठे हुए नज़र आएंगे अपनी चीज़ें ले सेल करने के लिए इनसे ये है कि एक दो दफ़ा अगर कोई ख़रीद लेता है तो इनकी एक किस्म की दिहाड़ी कहते हैं लग जाती है बैठे में धूप में मेहनत कर रहे हैं तो रिजक तो अल्लाह ताला ने हर एक को ही देना है यहाँ पे तीन सौ पैंसठ दिन में से तकरीबन 300 दिन जो है वो सूरज चमकता रहता है लेकिन धूप जो है उस तरह गर्मी वाली नहीं होती और यहां पे तकरीबन 17 बीचीज हैं और इसीलिए यहाँ पे ढेरों जो है टूरिस्ट वो आते हैं ठंडे इलाकों में से आते हैं ये भी जो है मांगने वाला ये ये नहीं कि आपको ये एंजॉय करवा रहा है ये भी मांगने वाला है इसका भी अगर आपको दिल करे तो आप दें ये तंगसी गली है इसमें अक्सर लोग गुज़रते हैं तस्वीरें बनाते हैं वीडियो बनाते हैं जैसे ही हम गुज़र के ऊपर गए हैं तो यहाँ पे ये रिहायशी इलाका ही था तो लेकिन हम इसलिए वापस मुड़ आए हैं क्योंकि हम समंदर के साथ साथ जो है नज़ारा करेंगे ये किला उसका दरवाज़ा बालकोनी बड़ी ख़ूबसूरत बनी हुई है यहाँ पे स्पोर्ट्स भी काफ़ी खेली जाती है जिसमें है मैराथन बेसबॉल रग्बी और सेलिंग की जाती है यहाँ पे फूल और पौधे देख के वैसे ही दिल खुश हो जाता है कलरफुल फूल हो तो एक बड़ा अच्छा लगता है आँखों को भी और एक बड़ा सुकून सा मिलता है और साथ ही हम कोई ढूंढ रहे थे कुछ खाने पीने के लिए भी और फिर हमें एक शॉप नजर आई है जो कि चाइनी की थी यहाँ पे बड़ा ही अच्छा फ्रूट लगा हुआ है और कुछ फ्रूट उन्होंने काट के धो के पैक करके रखा हुआ है कैसे ही आप उठाएँ और खा सकते हैं आप ये भी फ्रूट कटे हुए हैं ये आइसक्रीम भी देखिए जो कि डिफरेंट फ्लेवर हैं दो दो उन्होंने मैच किए हुए मैंगो और चेरी भी है मैंगो और कोकोनट भी है मैंगो और कीवी भी है और उसके बाद तरबूज का फ्लेवर भी है तो मतलब कोई भी आप ले सकते हैं और बड़े ख़ूबसूरत यहाँ पे फ्रूट लगे हुए हैं चमकदार से कि आप अपनी मर्ज़ी से जा के चुन सकते हैं जो कि सबसे अच्छी बात है यहाँ की यहाँ की नहीं बल्कि पूरे यूरोप की यहाँ पे ये यह जो है मार्केट है जहाँ पे ग्रॉसरी भी की जाती है और दूसरा घरेलू सामान भी लोग लेते हैं लेकिन यहाँ पे शॉपिंग सेंटर जो है आठ बजे बंद हो जाते हैं है बड़ा पुरसकून है इस टाइम इस टाइम पुरसकून है क्योंकि ज़्यादातर रश होता है छुट्टियों के दिनों में जैसा कि छुट्टी आ जाती है जुमे की शाम हफ्ते को इतवार को उन दिनों में बहुत ज़्यादा रश है इसलिए इस टाइम जो है ज़्यादा रश नज़र नहीं आ रहा तो आगे चौक में गए हैं तो आगे ये मांगने का तरीका इनका पुत्र तमाशा दिखा रहा है साथ वायलिन बज रहा है और आगे बॉक्स पड़ा हुआ है कि अगर आपका दिल करता है तो इसमें आप कॉइन डाल दें तो अगर आप ना देना चाहें तो आप सुन के जा सकते हैं ये आपको इस तरह के लोग अक्सर जगहों पे जो है नज़र आएंगे यहाँ पे भी और दूसरे शहरों में भी जैसे ही हम आगे निकले हैं दूसरे चौक पे तो वहाँ भी ये ख़ातून जो है अपने सुर पर रही थी तो इनको भी हमने क्रॉस किया और हमें पता लगा कि इस गली में रेस्टोरेंट हैं क्योंकि हलाल रेस्टोरेंट आपको ढूंढने पड़ते हैं देखने पड़ते हैं तो पता चला कि पाकिस्तानियों के रेस्टोरेंट भी हैं इस्तौल का भी है तो वहाँ पे हमने मेन्यू वगैरह देखा और सिंपल सा खाना ऑर्डर किया जिसमें चिकन कढ़ाई थी और नान थे चिकन कढ़ाई अच्छी बनी हुई थी लेकिन नान जो हैं बड़े महंगे थे तो जैसा अगर हमें अपने शहर से जो नान मिलते हैं वो हमें चार मिलेंगे वहाँ पे हमें एक मिला है तो ये इसलिए आपको बता रही हूँ कि आपको भी इन बातों का पता हो क्योंकि ये थोड़ा सा महंगा है इसके अलावा भी थोड़ा सा टाइम था दिन ढलने में तो दोबारा से हम लोग गए एक दफ़ा फिर जा के नज़ारा किया क्योंकि बड़ा अच्छा लग रहा था दिल कर रहा था बंदा वहाँ बैठा रहे धूप में और बड़ी ही ख़ामोशी सफ़ाई और बड़ा अच्छा आसमान और समंदर तो एक बड़ा अच्छी जो है फीलिंग आपको आती है तो अगर ऐसा मौका मिले तो ज़रूर जाना चाहिए दुनिया को देखना चाहिए अल्लाह ताला की जो कुदरत है उसको देखना चाहिए यहाँ पे ज़्यादातर जो रिहायशी रिहायश है लोगों की वो है हॉलैंड के यूके के और फ्रांस वगैरह के लोग जो हैं उन्होंने यहाँ पे घर ख़रीदे हुए हैं और वो यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे ब्रिटिश स्कूल भी है और दिन जो है तकरीबन अब ढल रहा है धूप आहिस्ता आता ढल रही है तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं स्टेशन की तरफ जाएंगे ज़्यादातर यहाँ पे रेस्टोरेंट जो है शाम को काम करते हैं छः सात के बाद जो है वो खुलते हैं और जैसे ही हम स्टेशन पे पहुंचे हैं तो वहाँ पे डबल स्टोरी ट्रेन थी उसमें बैठे हैं और हमारा स्टेशन आ चुका है हम ऊपर वाले पोर्शन बैठ में बैठे थे और ये है नीचे वाला पोर्शन क्योंकि आखिरी स्टॉप है इसलिए ये यहाँ पे खाली हो जाएगी और ये जी हमारा भी स्टेशन आ गया है हम भी यहाँ से उतर गए और उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी लग, अच्छी लगी होगी इंफॉमेशन वाली लगी होगी तो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें और मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको यहाँ की क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी है और दुआओं में याद रखें अल्लाह हाफिज़